नमस्कार, आप सभी का वीडी टीवी भारत में स्वागत है। दिल्ली में आबकारी नीति को लेकर मचे घमासान के बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि मेरे पास भाजपा का संदेश आया है, आप तोड़कर भाजपा में आ जाओ, सारे सीबीआई और ईडी के केस बंद करवा देंगे। मेरा भाजपा को जवाब है, मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, राजपूत हूँ, सर कटा लूंगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों षड्यंत्रकारियों के सामने झुकूंगा नहीं। मेरे खिलाफ सारे केस झूठे हैं, जो करना है कर लो। भाजपा सांसद प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि हम जाति धर्म की राजनीति नहीं करते और अब चोरी के आरोप में जेल जाना है तो जाति कार्ड खेलना शुरू। महाराणा प्रताप के वंशज दारू बेचने भ्रष्टाचार का कारोबार नहीं करते, उन्होंने तो देश विरोधी ताकतों को खत्म किया था और आप सब देश विरोधी ताकतों के कंधे से कंधा मिलाकर चलने में विश्वास रखते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि मैंने अरविंद केजरीवाल को 24 घंटे के भीतर जवाब देने का समय दिया था, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। यह उन्हें भ्रष्टाचार को साबित करता है। सरगना अभी भी चुप है। बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार की पूर्ववर्ती एक्साइज पॉलिसी को लेकर सीबीआई जांच के घेरे में हैं। उनके खिलाफ आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले को लेकर केस दर्ज किया गया है। इसके ताजा अपडेट के लिए वीडी टीवी भारत से जुड़े रहें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।